नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीओवी न्यूज में। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार हिंदी न्यूज के तहत सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं पहले हेडलाइंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 33 साल पुराने कानून में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, ग्राहकों को खराब सामान बेचने पर होगी 5 साल की सजा और देना होगा 50,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, अगली खबर के तहत हम आपको बताएंगे 1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने संसद में दी है जानकारी। जी हां दोस्तों, अगली खबर के तहत आपको बताएंगे अगले महीने से हो जाएगा सस्ता खाना बनाना और कार चलाना। जी हां दोस्तों, अगली खबर के तहत आपको बताएंगे मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 19 कंपनियों को बंद करने की दी है मंजूरी। उसके तहत अगली खबर आपको बताएंगे नेपाल में भारत की सब्जी से किया इनकार, बॉर्डर पर फंसे सैकड़ों ट्रक। तो दोस्तों, आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी खबर हम आप तक हमेशा पहुंचा सकें। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। दोस्तों, 33 साल पुराने कानून में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, ग्राहकों को खराब सामान बेचने पर होगी 5 साल की जेल और देना होगा 50,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मंजूरी दे दी है कि इस संशोधन बिल में ग्राहकों को खराब सामान की बिक्री करने पर 5 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथ ही ग्राहक और प्रोडक्ट को रिकॉल और रिफंड करने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। यह बिल 33 साल पुराने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यह जगह लेना है। आपको बता दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के तहत ग्राहकों के हित में काम करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसकी राज्य और जिला स्तर पर शाखाएं होगी जो ग्राहकों की शिकायतों को सुनेगा। भ्रामक विज्ञापन या किसी अन्य तरीके के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने या अथॉरिटी के पास मुआवजा तय करने का अधिकार होगा। साथ ही सारे प्रोडक्ट के वापस लेने और पैसे वापस करने का भी फरमान जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि नए बिल में ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही तय करनी जाएगी। अभी तक कंपनियों की जिम्मेदारी लेने से बचती थी, लेकिन नए बिल के आ जाने से यह साफ हो जाएगा कि किसी खराब सर्विस या सामान निर्माता या सेवा देने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ प्रभावित ग्राहक तक नहीं होगी, बल्कि उस सेवा से जुड़े सभी उपभोक्ताओं तक होगी। जी हां दोस्तों, अली खबर के तहत आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने संसद में दी है जानकारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार सड़कों पर गाड़ी और ड्राइवर की पहचान को आसान बनाने के लिए लगातार कार्य करती रही है। इसके लिए पूरे देश में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नियम बनाया गया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद पूरे देश में यह हो जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस और RCC एक समान हो जाएगा। यह जानकारी सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में दी है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि नया ड्राइविंग लाइसेंस बिना चिप वाला लेमिनेटेड कार्ड या फिर सिर्फ स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा। इस स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस और माइक्रोचिप और कंज्यूमर कोड होंगे, जिसकी सहायता से यातायात नियमों को उल्लंघन संबंधी सारी जानकारी होगी। इसको लेकर के सड़क और राजमार्ग मंत्री की 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन भी जारी किया था। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुसार 1 अक्टूबर 2019 में पूरे देश में एक ही फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस और RCC जारी कर दिए जाएंगे। इसके सामने की ओर चिप और पीछे की ओर QR कोड भी होगा। इस चिप और बार कोड के लाइसेंस होल्डर और वाहक की समस्या पूरी तरीके से जानकारी इसमें होगी। QR कोड की मदद से केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस के द्वारा ड्राइवर या वाहन का पूरा रिकॉर्ड इस डिवाइस के जरिए पढ़ा जा सकेगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि अगले महीने से हो जाएगा खाना बनाना और कार चलाना सस्ता। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट में आम लोगों के लिए बड़ी राहत दे सकती है। सरकार LNG इंपोर्ट को सस्ता बनाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इंपोर्ट घटाने में CNG और PNG की कीमतें घटेगी। सरकार इसकी घोषणा बजट में कर सकती है। आपको बता दें कि ड्यूटी घटाने से पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा। इसमें से LNG में सस्ता होने के लिए CNG की कीमतों में गिरावट आएगी। ऐसे में CNG फ्यूल आधारित कारों या फिर फ्यूल पर खर्च घट जाएगा। वहीं पाइप के जरिए घरों तक पहुंचने वाली PNG की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसे में सस्ती गैस में आम आदमी के लिए खाना बनाना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को अपना पहला बजट पेश करेगी। इससे पहले 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसमें से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। इसके जरिए 1 फरवरी को मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 19 कंपनियों को बंद करने की दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार घाटे में चल रही है, 19 कंपनियों को बंद करने की मंजूरी दे दी है।
जिसमें से HMT, हिंदुस्तान केबल्स और इंडियन ड्रग्स जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अद्भुत प्रकाश के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद अद्भुत प्रकाश ने भारी उद्योग और लोक उद्यान मंत्रालय में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का ब्यौरा मांगा है। अद्भुत प्रकाश केंद्र सरकार के सवाल के जवाब में पूछा है कि क्या सरकार घाटे में चल रही है, PSU को बंद करने या उसे निजीकरण करने पर विचार कर रही है। इसमें से भारी उद्योग और लोक उद्यान मंत्रालय के मंत्री अरविंद गणपत सावंत ने अलग अलग विभागों के घाटे में चल रही कंपनियों के बारे में जानकारी दी है। इसमें से सरकार की ओर से जिन कंपनियों को निवेश के लिए मंजूरी दी गई है उनमें से 25 से ज्यादा कंपनियां शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि नेपाल ने भारत की सब्जी लेने से किया इनकार, बॉर्डर पर फंसे हैं सैकड़ों ट्रक। जी हाँ दोस्तों, नेपाल सरकार ने भारत से जाने वाली सब्जियों और फलों को खरीदने पर रोक लगा दी है। नेपाल की नई अर्थव्यवस्था के तहत काठमांडू में लैब टेस्ट के बाद से भी भारतीय फलों और सब्जियों को NOC मिल सकती है। NOC मिलने के बाद से सब्जी की कीमतें और बढ़ जाएगी, जिसमें से सब्जियों के लैब टेस्ट में खरा नहीं उतरने पर नेपाल में कस्टम विभाग के सैकड़ों भारतीय ट्रकों को वापस कर दिया गया है। नेपाल भारत बॉर्डर पर सब्जी और फलों के लदे सड़कों पर खड़े हुए हैं। कई ट्रक ड्राइवर औने पौने दाम पर फलों और सब्जियों को बेचते करके नेपाल से रवाना हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि खबर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।